हम लोग पहुंच चुके हैं द स्टेचू ऑफ यूनिटी। आप मेरे पीछे देख सकते हो स्टेचू, और अभी हम हैं इस पार्किंग में हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि इनकी जो डेडिकेटेड बस सर्विसेज है, यहाँ से ये आपको स्टेचू ऑफ यूनिटी लेके आती है, जो पार्किंग यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर है। तो चलो, अभी हमारा टाइम तो हो चुका है ऑलरेडी अंदर जाने का, तो विल स्टार्ट। सो गाइस, अभी हम पार्किंग जोन से स्टेचू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं, विच इज़ अराउंड किलोमीटर फ्रॉम हियर, जो आपको वॉक करना पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज हाउ द एंट्री लुक्स, और काफ़ी खूबसूरत बना है ये, जो कैनोपीज जो बनाई है, जो धूप से भी आपको बचाएगी, बारिश से भी बचाएगी, और दिखने भी काफ़ी खूबसूरत है। तो हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं। जो गेट पे जो CISF पर्सनल थे, काफ़ी हेल्पफुल थे। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे अंदर उन लोग को PDF चाहिए, तो ही ऑल्सो हेल्प मी टू डाउनलोड द PDF। दो हम ये सब जानते हैं ये कैसे करना है, लेकिन क्या होता है कि आप कोई नए पोर्टल है जो आप रोज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको एग्जैक्टली किस ऑप्शन में जाके आपको ये करना पड़ता है ये आपको पता नहीं रहता है। बट देन द गाइज वर वेरी हेल्पफुल। तो गाइज, हम लोग अंदर आ चुके हैं एट स्टेचू ऑफ यूनिटी, और दिस इज़ द माइटी नर्मदा रिवर। आपको सामने दिखता होगा कि स्टेचू ऑफ यूनिटी लिखा है। भी जो एज है, या तो जिनको चलने के लिए दिक्कत है, तो यहाँ पे एस्केलेटर्स बनाए गए हैं ताकि आपको चलना ना पड़े, लेकिन हम चलना पसंद करेंगे। ये काफ़ी ह्यूज है। आप जब भी कैमरा में देखेंगे या तो आप टीवी में देखेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ माइटी इट इज। आप यहाँ पे अगर पर्सनली आओगे, देन यू विल बी एबल टू एंजॉय द फुल माइट ऑफ इट। अगर आप देख सकते हो तो काफ़ी धुंधला है, लेकिन साफ सुथरा नहीं है, लेकिन दैट इज़ दी सरदार सरोवर डैम। होप कैमरा वो कैप्चर कर पा रहा है। कहा था कि हमने पहला स्लॉट बुक किया है, और आप देख सकते हो ये काफ़ी खाली है, जो अच्छा है, क्योंकि अगर भीड़ जब भी होगी तो आपको यहाँ पे घूमना फिरना, मुंह होना दिक्कत हो सकता है। वैसे भी ये कोविड जो सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, वो शायद से वो मेंटेन करनी आसान नहीं होगी। जैसे मैंने कहा था कि ये करीबन 1 किलोमीटर है, तो सही में ये 1 किलोमीटर है। ये एस्केलेटर्स है यहाँ पे।
Guys, this is huge. गाइस यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की फेरी सर्विसेज भी है, आप देख पा रहे हैं। दैट इज़ अ फेरी जो एकता फेरीज करके नाम से है। तो गाइस काफ़ी धूप है यहाँ पे, काफ़ी गर्मी है, कल बारिश थी, जोर की बारिश जिसमें हम पूरे भीग गए। इतना ही नहीं कि हमारे राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट्स, मतलब रेनकोट होने के बावजूद भीग गए हैं। और आज इतनी तेज़ धूप है, आज भी हम भीग चुके हैं पसीने से। क्या विकेट कॉम्बिनेशन है, लेकिन कोई नहीं। तो अभी हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की व्यूइंग गैलरी हम जा चुके हैं, म्यूज़ियम देखा है, और अभी हम यहाँ से जाएंगे ज़ू। काफ़ी भीड़ हो चुकी है, इसी वजह से हमने सुबह का पहला स्लॉट बुक किया था ताकि ये आराम से हम सब कुछ देख सकें बिना भीड़ के। लेज़र शो शाम को 7 से 8 बजे तक होता है, और दो जगह से ये दिखाई जाता है। एक तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपस, और दूसरा है हेलीपैड। तो यहाँ से, यहाँ पे बैठ के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे ये लेज़र शो दिखाया जाता है। यूनिटी के फूड कोर्ट में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे स्टारबक्स है, वी ऑल्सो हैव सबवे है, कॉफ़ी कैफ़े, कॉफ़ी डे है, और देर आर सम लोकल काउंटर्स एज वेल। बट देन सिंस गुजरात आए, और हम अगर हम गुजराती फूड नहीं खा रहे हैं तो डज नॉट मेक सेंस। सो हम खा रहे हैं खमन ढोकला एंड छास।
काफ़ी भूख लगी है क्योंकि सुबह हम 6 बजे उठे हैं और 7:15 को हम निकले स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए, सुबह से कुछ खाया नहीं है। गाइस विल मीट यू आफ्टर हैविंग दिस स्नैक्स। बस स्टॉप पहुँच चुके हैं तो यहीं से हमको अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जू जंगल सफारी, तो यहीं से हमको बस मिलेगी वहाँ जाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा ये सर्विसेज फ्री है विच इज़ पार्ट ऑफ योर टिकट। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।